नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में। मित्रों, आज हम लोग एक कोड के बारे में बात करने वाले हैं। कंप्यूटर का जो इंफॉर्मेशन इंटरनल चेंज कोड होता है, जो इंटरचेंज कोड होता है, जो ट्रांसमिशन होता है, जो हमारे एक देश से दूसरे देश को समझाने वाला जो कोड कंप्यूटर ने गठन किया था, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका नाम है ASCII। यानी कि उसका हम लोग अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें तो ASCII, यानी कि मतलब क्या हुआ कि ASCII एक ऐसा कोड है, ये इंटरनेशनल एक ऐसा कोड है जो कि कंप्यूटर को एक दूसरे से ट्रांसमिशन का काम करता है। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि मतलब क्या हुआ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर, देखिए क्या लिखा हुआ है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मतलब क्या हुआ कि जो इसका फुल फॉर्म है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कहने का मतलब क्या है कि अमेरिका द्वारा ये गठन किया गया एक कोड जिसका नाम है ASCII, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये हर देश के अलग अलग भाषा को समझाने का प्रयास करता है, कंप्यूटर में अदला बदली का काम करता है। किसी भी देश में, अब जैसे चाइनीज में अगर देखा जाए तो 29,000 कोड है, इंडिया में देखा जाए तो 22 जैसे अदर्स लैंग्वेज हैं जो कि कंप्यूटर में इस समय अवेलेबल है। तो उन कंप्यूटर को समझाने के लिए इस कोड का प्रयोग किया जाता है कि हम एक जगह से दूसरे जगह को अपनी भाषा को आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं। जिसको हम लोग ट्रांसफर करते उसी को हम लोग ASCII कहते हैं दोस्तों। यानी ये कौन सा कोड है, वह कोड है जो कि आराम से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह को आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी भाषा को, यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि जो ASCII होता है ये आखिर कितने टाइप का होता है, काम कैसे करता है, इसकी कोडिंग हम लोग कैसे करते हैं। इसको ध्यान से आखिर तक वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि थोड़ा सा ये मैथमेटिकल पॉइंट है, कोड है, क्योंकि इसके ऑलरेडी इसके नेम में ही कोड लिखा गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को आराम से आखिर तक देखते रहेगा, नहीं तो आप कभी भी इसको समझ नहीं पाएंगे। तो मैं रत्नाकर उपाध्याय यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल के माध्यम से मित्रों अभी ASCII के बारे में पूरा बता रहा हूं, इस वीडियो को आखिर तक देखते रहेगा। तो हम बात करेंगे ASCII के बारे में। तो जो ASCII होता है ये दो पार्ट में होता है। सबसे पहले पार्ट में क्या होता है, ये 7-बिट का होता है और ये 8-बिट का होता है, यानी कि दो पार्ट में होता है, एक 7-बिट में होता है और 1-बिट में होता है। और हाँ, आप लोगों को देखिए, एक 7-बिट में नहीं होता है, हम बताते हैं आपको, एक ASCII 7 होता है, एक ASCII 7 होता है और एक क्या होता है, ASCII 8 होता है। तो इसमें क्या होता है कि 7-बिट काम करती है और इसमें क्या होता है कि 8-बिट काम करती है। ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। और आप लोगों को पता है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो दो ही बात को समझता है, कौन कौन, 0 और 1, 0 और 1। यानी कि हम लोग कुछ भी कोडिंग करेंगे, कितना हो कोडिंग कर डालें, लेकिन क्या होगा, जो ASCII का कोडिंग होगा वो 0 और 1 पे ही होगा और कहीं हो ही नहीं सकता मित्रों, ठीक है। तो ये है हमारा ASCII 7 और ASCII 8। तो हम लोग बात करेंगे ASCII 7 के बारे में कि ASCII 7 आखिर कैसे काम करता है, इसकी कोडिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि ASCII 7 आखिर क्या होता है, कैसे काम करता है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं किस पे, ASCII 7 के बारे में। इसमें क्या है, हमने आपको बताया है कि 95 से ज्यादा, कितना, 95 से ज्यादा, 95 से ज्यादा सिंबल, अल्फाबेट और नंबर इसमें पाए जाते हैं, जिसके कोड को हम लोग निर्धारित करके कंप्यूटर के माध्यम से काम आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ASCII 7 की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो कोडिंग होती है वो इसमें तीन पार्ट में होती है। सबसे पहले हम लोग नंबर को लिखते हैं, यानी कि हम पहचानते हैं किस नंबर का कोड हमें बनाना है। और ASCII 7 का मतलब होता है कि 7 डिजिट, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। ASCII 7 जो होता है उसमें 7 डिजिट का वर्ड होता है और जो ASCII 8 होता है उसमें 8 डिजिट का होता है, इसलिए
क्योंकि ASCII 7 और ASCII 8 जो है अलग अलग बनाया गया है, यही कारण है। ठीक है, अगर 7 डिजिट का है तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा दो पार्ट में उसको हम डिवाइड करते हैं जोन और कोड में, किसमें, जोन और कोड में, तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर ASCII 8 में जाएंगे तो चार चार का बनाएंगे, अगर ASCII 7 में आते हैं तो तीन और चार का बनाएंगे, तभी तो हमारा 7 डिजिट होगा मित्रों। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपने ASCII 7 के बारे में। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर लिख देते हैं, फिर हम अपना जोन लिखेंगे, फिर अपना क्या लिखेंगे, हम कोड लिखेंगे। ठीक है, तो अगर हम नंबर की बात करें तो हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं, 2, 3, 4, 5। ठीक है, हम जाते हैं कहां तक, 9 तक। ये हमारा है ASCII कोड, ASCII कोड का नंबरिंग। अगर हम जोन की बात करें तो जो हमारे ASCII कोड का जोन होता है, यानी जो फिक्स होता है, मतलब ध्यान समझिएगा, जोन जो होता है वो हमारा सभी नंबरों में फिक्स होता है, इस बात को ध्यान से समझिएगा, जो जोन होता है वो हमारा होता है फिक्स, इसलिए हम क्या करते हैं, जोन को एक ही होता है, इसको हम लोग 011 कहते हैं। तो 011 यहां पे भी लिखेंगे, 011 यहां पे भी लिखेंगे, 011 यहां पे भी लिखेंगे, और लास्ट में जाके क्या लिखेंगे, 011 ही लिखेंगे। ये हमारा ASCII कोड का क्या है, जोन है मित्रों। ठीक है, और आप लोग अगर बाइनरी नंबर पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा ASCII कोड का बाइनरी नंबर, जो हम लोग कोड डिसाइड करते हैं, वो जीरो से स्टार्ट करते हैं, उसमें क्या होता है कि जीरो सबसे पहले, अगर हमारा अब हम 7 डिजिट है तो हम देखिए कभी भी हम लोग 4 डिजिट में ही लिखते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, किसमें, 4 डिजिट में। तो 4 डिजिट अगर हम लिखते हैं तो जीरो का हमारा 4 और 4 डिजिट आएगा, आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से इस बात को। जो हमारा 1 का आएगा उसमें क्या होगा कि जो हमारा 1 आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0001। ठीक है, 2 का आएगा तो ये 0010। ठीक है, अब 3 का आएगा तो 0011। ठीक, 4 का आएगा तो 0001 ये आएगा। ठीक है, फिर अगर हम लोग 5 का करें तो क्या आएगा, 0101। ठीक, इसी तरीके से अगर हम 9 का करते हैं मित्रों, किसका, 9 का करते हैं तो इसका आएगा कितना, 0101, क्या आएगा, 0101 आएगा। इसी तरीके से हम लोग इसको क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1001 आता है 9 का। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ASCII कोड का हो गया नंबरिंग सिस्टम। लेकिन अगर हम अल्फाबेट में जाते हैं, किसमें, अल्फाबेट में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि अल्फाबेट का अगर सिस्टम देखा जाए तो अल्फाबेट में क्या होता है, जैसे ए का होता है क्या, अब सीधी सी बात है कि जो हमारा ए का होता है, जो हमारा जोन कोड होता है, क्या होता है, जो जोन कोड होता है वो आ जाता है 100, यानी कि इसमें 001 था, लेकिन अल्फाबेट का अगर हम लोग जोन कोड देखेंगे तो वो हो जाएगा 100, क्या होगा, 100। इसी तरीके से इसका अगर हम लोग निकालना चाहें कोड, ये हमारा क्या हो गया, अल्फाबेट हो गया, ये हमारा जोन हो गया, क्या हो गया, जोन हो गया, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कोड। तो कोड हम कैसे लिखेंगे, अब मान लीजिए ए का होता है 10, ठीक है, तो 10 का हम लोग तुरंत क्या निकाल लेंगे, निकाल लेंगे तो यहाँ 2 × 5 = 10, यानी कि यहाँ हो जाएगा कितना, 0, फिर 2, 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर 2 × 1 = 2, तो यहाँ पे 0 और 1। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसका कोड लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इस चीज को ध्यान समझिए हमारी बात। अब हम लोग लिखेंगे, ये हमारा जो 100 जोन है, हमने बताया है कि ये होता है फिक्स, ये हमेशा फिक्स होता है, तो इसलिए हम डिजिट का नाम कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ए का अगर हमें कोड लिखना हुआ तो हम लिखेंगे यहां से कैसे, 1 लिखेंगे, 010 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 001 लिखेंगे। ये हमारा क्या हो गया, ए का हो गया ASCII नंबर। इसी तरीके से अगर हम इसका नंबर निकालना चाहें मित्रों, तो इसका नंबर भी इसी तरीके से निकालें, जैसे मान लीजिए हमको अगर 4 का नंबर चाहिए तो हम 4 का नंबर कैसे लिखेंगे, मान लीजिए हमें 4 डिजिट का नंबर चाहिए तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4 ये है हमारा, तो हम लिखेंगे 0010, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 110, ये हमारा हो जाएगा 4 का कोड। ठीक है, तो ये है हमारा ASCII 7। ठीक है, अगर हम बात करें ASCII 8 की, तो ASCII 8 भी इसी तरीके से होता है, कुछ भी डिफरेंट नहीं होता है, इस चीज को हम लोग बस खाली समझ लेंगे। तो थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं और ASCII 8 की बात करें, तो आपको हमने बता दिया है थोड़ी देर पहले कि जो हमारा ASCII 8 होता है उसमें क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, चार चार डिजिट को हम जोन और कोड में डालेंगे। कैसे डालेंगे, इस चीज को हम लोग देखते हैं। और आप लोगों को पता है कि जो हमारा डिजिट होता है वो बीट यानी बाइट में आता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसकी, ASCII 8 की, ASCII
एट की बात अगर हम करें तो इसमें क्या होता है, इस चीज को हम लोग अच्छे से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, बात को हमारे समझिएगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज की एट है। अगर तो हम यहाँ पे देखते हैं इसका नंबर, ठीक, यहाँ पे देखते हैं इसका जोन, और यहाँ पे क्या देखेंगे, इसका कोड। ठीक, तो हम बात करते हैं आज की कोड की। जो हमारा नंबरिंग स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4, 5 कहां तक जाएगा, 9 तक, कहां तक जाएगा, 9 तक। इसी तरीके से इसमें क्या होगा, इसका जो जोन कोड होता है दोस्तों होता है 0101, क्या होता है 0101, ये पूरा 9 तक जाएगा 0101। बात समझ में आ रही है। जो हमारे ASCII कोड का जोन होता है वो क्या होता है 010, थोड़ा हार्ड है मित्रों, थोड़ा हार्ड है ये, लेकिन एक बार अगर आप समझ गए तो कभी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसका जो एक्चुअली में जो इसका नीड है, जिसको इसे पढ़ना चाहिए वो कोडिंग वाले लोग पढ़ते हैं, यानी जो लैंग्वेज क्रिएट करते हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए हार्ड होगा, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे, और हाँ ज़्यादा इस पर प्रयास नहीं करेंगे मित्रों, ठीक है। तो हमारा, लेकिन बात को ध्यान समझिए, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। अब हम बात करते हैं इसके जोन कोड की। तो जोन कोड हमारा क्या हुआ, 0101 हो गया। अब कोड वाला सिस्टम वही है हमारा पुराना, कौन सा, जो ASCII 7 में हमने पढ़ा था, उसमें क्या था 0000, बस समझ में आ गई। फिर हम क्या करेंगे 0001, फिर 0001, ठीक है, फिर 0011, फिर क्या करेंगे 0100, ठीक, फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे 0101, ये हमारा इसी तरीके से 9 तक चला जाएगा, ठीक, यहाँ तक जाएगा। ये हमारा क्या है, ASCII है, ASCII कोड का क्या है, नंबर सिस्टम है। लेकिन अगर हम लोग अल्फ़ाबेट में आ जाएं, किस में आएंगे, अल्फ़ाबेट में, तो हमारा एक एक अगर हम लोग मान लेते हैं, लेकिन इसमें जान लीजिए कि आपका जो कोड होता है वो चेंज हो जाता है। क्या होता है, आपका हमेशा जो ABC वाला कोड होता है वो चेंज होता है। इसमें क्या है, इसमें 0101 है, लेकिन जो हमारा इसमें इसका जोन कोड होगा वो क्या होगा, 1010 होगा। क्या होगा, जो इसका कोड होगा 1010 होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारे अल्फ़ाबेट की कोड चेंज हो जाती है, और 9 के बाद ये चेंज होता है। ए से क्या होता है, ए से ओ तक, ओ के बाद हमारा कोड चेंज होता है, ये रूल है इसका, ध्यान समझिए हमारी बात को। मतलब ये हुआ, ये ए वाला जो सिस्टम है हमारा, जो ए वाला सिस्टम है, इसका हम लोग जोन कोड अगर देखें तो वो क्या है, 01 1010 है, लेकिन अगर हम इसी का अपोजिट साइड देखें तो इसमें 0101 है। मतलब क्या हुआ कि अल्फाबेट में गया ASCII कोड 8 का, तो तुरंत क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है मित्रों। तो ठीक है, तो ये हमारा इसका जोन है। अब इसी तरीके से इसका भी हम लोग अगर कोड निकालें तो वही सिस्टम हमारा अप्लाई होगा जो हमने 7 में अप्लाई किया था। क्या अप्लाई किया था, ए इज इक्वल टू, अगर 10 होता है तो 10 का हम क्या, ए इज इक्वल टू 10 ही होता है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत 10 का निकाल लेंगे, तब 2 × 5 = 10, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 2 × 2 = 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2, तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब हमारा यही सिस्टम फिर से अप्लाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ए का लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 1010, ये हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा जोन कोड अप्लाई हो जाएगा 0101। देखिए यही हमारा ए का सिस्टम निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये ASCII कोड है मित्रों, ठीक है, ASCII कोड ए का निकल गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें और कहें कि ऐसा करिए, हमारा जो क्वेश्चन देखिए बनते कैसे हैं, जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो कहेगा कि आप लोग ऐसा करिए, हमें 12 का आइस कोड दे दीजिए, ASCII कोड 12 का दीजिए। अब 12 का ASCII कोड निकालेंगे कैसे भाई, नंबर सिस्टम तो हमने पढ़ लिया, बाइनरी नंबर तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ASCII कोड का सिस्टम निकालना हमने नहीं पढ़ा, हमारे टीचर ने नहीं पढ़ा है। तो मित्रों इस वीडियो को अगर आप आखिरी तक देख रहे हैं, अभी तक आप देख रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ASCII कोड 12 का क्या होगा। हम एक एग्जाम्पल बताते हैं, ASCII कोड अगर 8 बीट का पूछता है, कितने बीट का, 8 बीट का, यानी 8 बीट का मतलब क्या हुआ, 7 बीट और 8 बीट में अंतर क्या होता है, एक बात को समझ लीजिए। अगर हम 7 बीट की बात करते हैं किसकी, तो इसका क्या होता है, 2^7 देन इज इक्वल टू 128, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम 8 बीट की बात करते हैं तो 2^8 इज इक्वल टू 256। ये हमारा होता है करेक्टर्स या लैंग्वेज। ये क्या करते हैं, ये हमारे बत्तर आते हैं कि इतने जो है हमारे कोडिंग इसमें मिलेगी, इतने कोड इसमें मिलेंगे, इतने ही कोड इसमें निर्धारित हैं, और इतने ही कोड पे हमारा ये कंप्यूटर यानी कि ये लैंग्वेज, ये कोड काम करता है मित्रों। तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन पे कि अगर हम 12 का ASCII कोड 8 बीट में निकालते हैं तो क्या होगा, ठीक है। अब हम जैसे समझा देते, थोड़ी सी बात और आपको समझा देते हैं। मान लीजिए कि 9 है, ठीक है, अब 9 के बाद तो 10 भी तो आता है,
टेन भी तो आता है, अब टेन का हम कैसे निकालेंगे? तो टेन की बात अगर हम करें तो यहां से उठाएंगे जीरो और यहां से उठाएंगे वन, यानी कि क्या करेंगे, यहां लिखेंगे टेन। बात को ध्यान समझिए, यहां टेन लिखते ही यहां अपने जोन कोड को हम लिख देंगे, ये हमारा जोन कोड हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हमने यहां जीरो वाले को उठाएंगे, यानी क्या करेंगे, ये जो जीरो वाला यहां पे है इसको हम लोग उठाएंगे और इधर से क्या करेंगे, एक दो तीन चार, देखिए ये जीरो वाला है, ठीक है। अब बचा टू, तो अगर हम टू की बात करें तो टू का देखते हैं, अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, जीरो वन जीरो जीरो, ये हमारा क्या हो जाएगा, 12 का ASCII कोड हो जाएगा, किसका हो जाएगा, 12 का ASCII कोड हो जाएगा। इसी तरीके से हम ASCII कोड दोस्तों निकाल लेंगे, बहुत आसान है, लेकिन हाँ थोड़ी सी आप लोगों के लिए कठिन है, अगर ना समझ में तो इस वीडियो को रिमाइंड करके फिर से आप देखिएगा, ठीक है, बात आपको पूरी समझ में आनी चाहिए। और भी अगर नहीं समझ में आती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मित्रों। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।